आप लोगों के लिए आज लाई हूँ स्वादिष्ट चटाकेदार गाजर की गीली सब्जी, जिसे आप खाना बार बार पसंद करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है कुकर, जिसमें मैंने तकरीबन 1.5 कड़छी तेल डाला है। अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता, और साथ ही डालूँगी इसमें मेरा बनाया हुआ मसाला जो मैं ऑलरेडी फ्रिज में बना के रखती हूँ। जैसे कि मैंने किचन हैक में आप लोगों को पहले भी दिखाया था, मैंने मसाला इसमें डाल दिया है। इसके साथ थोड़ा सा डाला है मैंने नमक, धनिया, और साथ ही डाली मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, साथ ही डाला है मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं घर में बना के रखती हूँ हमेशा से। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और डालेंगे थोड़ा सा पानी कि हमारा मसाला जले नहीं। और ये ले लिए हैं मैंने गाजरें काट के छोटी छोटी रैंडमली पीसेस में, और इसको मैंने उस मसाले में डाल दिया है। और इसको हम तकरीबन आधा पौना घंटा इसको अच्छी तरह भुनने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पानी और लगा देंगे विसल। चाहे तो आप इस कुकर में बनाइए, चाहे आप इसको कढ़ाई में बनाइए। तो लीजिए, गाजर की सब्जी तैयार है। अब इसको हम कर लेंगे थोड़ा अच्छी तरह मिक्स, और फिर देखेंगे इसकी ग्रेवी की अगर थिकनेस, अगर थिकनेस कम है तो आप इसको थोड़ी सी गाजर को स्मैश कर लीजिए। और लीजिए, हमारी गाजर की सब्जी बिल्कुल रेडी है, देखिए। और इस पर डालूँगी मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। तो लीजिए, हमारी थाली तैयार है। ये डाली है मैंने थोड़ी सी सूखी सब्जी जो है मेरे पास भिंडी थी, और साथ में मैंने गाजर अचार, और साथ में पेश है प्याज।